तो गाइस आप सभी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे थंबनेल ट्यूटोरियल पे वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मैं थंबनेल ट्यूटोरियल पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप भी अपने फ़ोन में जो इस टाइप के थंबनेल बना सकते हैं, जैसे कि गाइस अभी इस टाइम स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल ही ईजी है और कुछ स्टेप्स में मैंने जो इन पार्ट्स को जो डिवाइड करा, तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और गाइस जो भी मैं एप्लीकेशंस यूज़ करूँगा इस वीडियो में, उन सारी एप्लीकेशंस की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो गाइस आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी लिंक। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किन किन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। गाइस जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम पिक्सेल ऐप। गाइस आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जो ये एप्लीकेशन है, इससे गाइस आप अपने थंबनेल पर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस आपको बेसिकली बस आपको इससे जो मतलब यहाँ से बस आपको एक फॉन्ट चूज करके अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो गाइस जो भी आपका मतलब जो भी वीडियो रिलेटेड है, मतलब जिस भी वीडियो से रिलेटेड आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, आपको सिंपली वो टेक्स्ट लिख लेना जो भी अपने थंबनेल पे लिखना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे iOS 40 के व्हाट्सएप पे बनाने वाला हूँ थंबनेल। तो गाइस मैं जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने iOS 40 लिख लिया। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कॉपी का एक जो बटन दिखेगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना और अपना दूसरा टेक्स्ट लिख लेना है। तो गाइस मैं दूसरा टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो गाइस मैं कहीं कहीं बीच में नहीं बोलूँगा, तो गाइस आप समझ जाना कि मैं यहाँ पे मतलब आपको दिखा रहा हूँ बस कि आपको क्या क्या करना है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंपली अपना टेक्स्ट लिख लेना है। इसके बाद गाइस आपको जो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन दिखेगा उस पर गाइस आपको ऊपर ट्रांसपेरेंट दिखेगा दूसरा, और गाइस आपको इसको ट्रांसपेरेंट पीएनजी में जो इसको सेव कर लेना है। तो गाइस मैं अल्ट्रा पे जो इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो गाइस जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है स्नैप मोड। तो गाइस ये बेसिकली आपके जो स्क्रीन शॉट है उसको मोबाइल फ्रेम में जो मतलब मोबाइल फ्रेम के थ्रू मतलब आप अपने स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं यहाँ से। तो गाइस आपको सिंपली अपना स्क्रीनशॉट ले लेना जिस भी चीज़ के ऊपर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो गाइस मैं व्हाट्सएप के ऊपर बनाने वाला, तो गाइस मैं यहाँ पे अपना जो व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको सिंपली इस पे करके आपको सिंपली इसको जो सेव कर लेना है। तो गाइस सेव करने के बाद आपको इसको मतलब इसका बैकग्राउंड इरेज करने के लिए बीजी इरेजर का एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस वाले इमेज को जो सिलेक्ट कर देना है और गाइस आपको सिंपली यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे जाके गाइस आपको इसको 50 पे करके आपको इसका बैकग्राउंड इरेज करके आपको इस इमेज को जो सेव कर लेना है। गाइस सेव करने के बाद आपको जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसका उसकी जरूरत पड़ेगी, जो कि गाइस पीएस टच है। तो गाइस इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आपको सिंपली प्लस वाले पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको जो थंबनेल का साइज लिख देना है। तो गाइस 1280x720p का गाइस आपको जो थंबनेल बनाना है। तो गाइस इसी साइज का जो यूट्यूब पे थंबनेल लगता है, तो गाइस आपको सिंपली ये साइज जो यहाँ पे डाल देना है। तो गाइस इसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर गाइस आपको एक एस का जो बटन दिख रहा होगा मतलब एंड टाइप से, तो गाइस आपको सिंपली उस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस उस वाले बटन पे क्लिक करने का, तो यहाँ पे आपको जो फिल एंड स्टॉक करके एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको अपना कोई सा भी एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना। तो गाइस वहाँ से आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको क्या करना, आपको सिंपली जो भी आपका स्क्रीनशॉट है मतलब जो भी गाइस आप जिस भी टाइप का जो थंबनेल बनाना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेनी है। तो गाइस मैं स्क्रीनशॉट को जो इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो गाइस मैंने बैकग्राउंड इरेजर ऐप से इरेज करा था। तो गाइस इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने जो इमेज है उसको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस आपका जितना माइंड मतलब क्रिएटिव होगा आप उस तरीके के जो थंबनेल बना पाएंगे। तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पे जो अपना इमेज को जो यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो गाइस आपको सही से मतलब अपने इमेज को एडजस्ट कर देना। देन गाइस आपको जो भी मतलब जितने भी आपका स्क्रीनशॉट है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली दूसरा जो स्क्रीनशॉट भी ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो गाइस सिंपली मैं दूसरा वाला स्क्रीनशॉट भी ऐड कर ले रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि क्या करना है। इसके बाद गाइस आपको वापस से जो उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको मतलब गाइस यहाँ से आप ना इसमें बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड में शेडो है वो भी दे सकते हैं, बट गाइस ब्लैक बैकग्राउंड है तो इसमें शेडो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट गाइस अगर आप किसी और कलर का चूज़ करते हैं, तो गाइस आपको वहाँ पे सेटिंग आइकन दिख रहा था, वहाँ से आप जो शेडो भी दे सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको क्या करना, आपको सिंपली जो आपने टेक्स्ट बनाया था
आपको सिंपली उस वाले टेक्स्ट को ऐड करना है अपने थंबनेल में। तो गाइस मैं उस वाले फोल्डर को सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस पिक्सेल ऐप से हमने बनाया था, तो मैं सिंपली इस वाले टेक्स्ट को जो इसमें ऐड कर लेता हूँ। देन गाइस आपको यहाँ पे सिंपली जो साइड में राइट का बटन दिख रहा है, आपको सिंपली अपने टेक्स्ट को ऐड करने के बाद राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको कॉर्नर में एक जो मतलब आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो गाइस आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको जहाँ तक मतलब जो भी टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर देना है। कट करने का गाइस आपको क्या करना है, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इम्पिटी लेयर को जो सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको इम्पिटी लेयर पे चले आना है, और इसके बाद गाइस आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, गाइस आपको उस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो गाइस इतना करने के बाद आपको जो जैसे भी मतलब आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं जिस भी टाइप से, तो गाइस आपको उस टेक्स्ट को रख लेना। तो गाइस मैंने अपने टेक्स्ट को रोटेट करके इस टाइप से रख दिया है। देन गाइस आपको जो दूसरा वाला टेक्स्ट है आपको सिंपली उस पर क्लिक करके, जो गाइस आपको एस वाला बटन दिख रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको इस वाले टेक्स्ट को भी जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इसके साइज को जो भी गाइस आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते तो गाइस आपको यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो गाइस आपको पिक्सल करके एक जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इससे गाइस आप इजीली जो मतलब टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपने टेक्स्ट को यहाँ से मतलब गाइस आप अपने ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं कि आपका थंबनेल अच्छा लग रहा है कि नहीं देख रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ से ओपेसिटी कम कर ले रहा हूँ इसकी, जिससे कि थंबनेल और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस अपने हिसाब से आप ये सब चीज़ें करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी ये सब चीज़ करिएगा। तो गाइस यहाँ से आप जो मतलब इसी सेलेक्ट पिक्सल कर लेंगे, तो गाइस यहाँ से आप अपने जो थंबनेल के कलर भी चेंज कर पाएंगे। तो गाइस फिल एंड स्ट्रोक पे जाके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ओपेसिटी को जो कम कर रखा है इसलिए आपको कलर देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट गाइस थोड़े बहुत कलर्स देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, और गाइस उसी पे क्लिक करके आप वहाँ से जो शेडो भी दे सकते हैं, और गाइस यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप कोई सा भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, बट गाइस उससे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर देना फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके। देन गाइस आपको यहाँ पे मैं आपको एक जो मतलब फाइल दूंगा लाइट मतलब, तो गाइस यहाँ से आप बहुत सारे लाइट्स के कलर मिल जाएंगे, आपको सिंपली वहाँ से कोई सा भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको अपने थंबनेल में ऐड कर देना है। गाइस इससे आपका जो थंबनेल और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो गाइस मैं इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में तो आप सिंपली जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जो ये सारी फाइल्स अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।